हेलो गाइज, माय नेम इज़ मुख्तार आलम और आप देख रहे हैं मेरे चैनल जिसका नाम है टेक्निकल मुख्तार। तो गाइज आज फिर हाजिर हूँ आपके लिए एक नई वीडियो के साथ। और गाइज आज की वीडियो में मैं आपको एक बहुत ही बढ़िया एप्लीकेशन के बारे में बताने वाला हूँ जिससे कि आप कोई भी लोगो जो है अपनी वेबसाइट या अपने यूट्यूब चैनल के लिए बना सकते हैं। तो गाइज इस एप्लीकेशन में आप बहुत ही शानदार लोगो या यूट्यूब के लिए थंबनेल या आप कुछ भी इसके अंदर चाहें वो बना सकते हैं। जो एप्लीकेशन है वो काफ़ी बढ़िया है और काफ़ी अच्छे तरीके से जो वर्क करती है। मैं भी अपने जो थंबनेल्स और जो भी चीज़ें हैं वो सब इसी में ही क्रिएट करता हूं। तो गाइस सबसे पहले आपको करना क्या है, सबसे पहले आपको अपने मोबाइल के प्ले स्टोर पर जाना है। प्ले स्टोर में आपको एक ऐप सर्च कर लेना है, ऐप का नाम है लोगोपिट प्लस इसके नाम से जो आपका एप्लीकेशन है, आपको इसको डाउनलोड कर लेना है। एप्लीकेशन कुछ इस तरह से दिखाई देता है, आपको यहाँ पर दिख रहा होगा गाइस, तो आप इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लें, उसके बाद में इसको ओपन कर लेना है। तो गाइस इस तरह से ये हमारी एप्लीकेशन ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपको कुछ ऑप्शन दिखेंगे, यहाँ पर आपको दिखेगा क्रिएट न्यू, तो हमें क्रिएट न्यू पर जो है क्लिक कर देना है। यहाँ पर आपको बहुत सारे साइज़ जो यहाँ पर आ जाएंगे, आप जिस भी तरीके का आपका लोगो बनाना है, आपको फेसबुक कवर, यूट्यूब थंबनेल, आपको जो भी बनाना है आपको यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है। तो हम एक सिंपल सा लोगो बना रहे हैं आपको बताने के लिए, तो हम यहाँ पर लोगो पर क्लिक कर लेते हैं। इसके बाद में आपको किस तरह का लोगो डिज़ाइन करना है वो आपको चूज़ करना है। तो यहाँ पर फर्स्ट नंबर पर आपको यहाँ पर दिख रहा है लोगो, तो आपको इस पर क्लिक करना है। तो यहाँ पर काफ़ी जो है लोगोस बहुत सारे आ जाएंगे, आपको जो भी पसंद आता है आप वो अपने लोगो चुन लीजिएगा। आपको इस टाइप का जो है लोगो बनाना है, तो आप जिस भी सेक्टर में आपका काम हो आप उसके हिसाब से यहाँ से कोई भी लोगो जो है पसंद कर सकते हैं। तो हम यहाँ से कैमरे का लोगो पसंद कर लेते हैं। तो तो जैसे हमने क्लिक किया तो हमारा यहाँ पर लोगो जो है वो बना आ चुका है। अब यहाँ से हम इसको एडिट करना है, आप यहाँ से इसका साइज़ जो है वो छोटा बड़ा कर सकते हैं और आपके हिसाब से इसको कैसे भी कर सकते हैं। तो हमने इसको छोटा कर लिया। इसके बाद में आप इसका कलर अगर चेंज करना चाहते हैं तो आपके हिसाब से यहाँ पर काफ़ी कलर दिए गए हैं, आप इसके यहाँ पर कलर चेंज कर सकते हैं। किसी भी डिज़ाइन का आप इसमें कलर डाल सकते हैं आपको जो भी पसंद हो। तो मैं इसके यहाँ ग्रीन कलर कर लेता हूँ। उसके बाद में अब इसके अंदर हम कोई टेक्स्ट ऐड करते हैं या कोई पिक्चर ऐड करते हैं तो वो यहाँ पर फंक्शन दिए गए हैं। अगर आप कोई पिक्चर ऐड करना चाहते हैं तो यहाँ से आप इसके अंदर ऐड कर सकते हैं, और अगर आप कोई टेक्स्ट ऐड करना चाहते हैं तो यहाँ से ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको प्लस दिख रहा है, इस प्लस पर क्लिक करना है और आपको यहाँ से टेक्स्ट ऐड कर देना है। तो मैं यहाँ से टेक्स्ट ऐड कर देता हूँ। तो हमने यहाँ लिखा है टेक्निकल, तो हमारा टेक्निकल आ चुका है। और हम इसको थोड़ा सा और अच्छा करने के लिए इसको बोल्ड कर लेते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट करना है। यहाँ पर और भी कई फीचर्स दिए गए हैं गाइस इसके रोटेट करने के लिए, यहाँ पर आप इसको रोटेट भी कर सकते हैं, साइज भी बड़ा कर सकते हैं। क्यों काफ़ी जो फंक्शंस दिए गए हैं। इसके बाद में नेक्स्ट करना है, कलर का ऑप्शन है, कलर आप चेंज कर सकते हैं इसके अलावा, और ग्रीन चाहें तो आप कोई सा भी कलर ले सकते हैं। इसके बाद में तो इसके अलावा भी आप इसके अंदर और भी कई चीज़ें जो हैं वो ऐड कर सकते हैं। तो काफ़ी अच्छा जो ये एप्लीकेशन वो आप है जो आप इससे बहुत अच्छे अच्छे लोगो जो क्रिएट कर सकते हैं। तो और भी इसके अंदर टेक्स्ट डालना चाहते हैं तो वो भी डाल सकते हैं। देखिए यहाँ पर और भी टेक्स्ट जो है डल चुका है, और यहाँ पर आप कलर भी कर सकते हैं, कलर आपकी पसंद के हिसाब से कर सकते हैं। तो देखिए गाइस काफ़ी अच्छा लग रहा है। अभी मैं अभी ज़्यादा इसके अंदर ज़्यादा कुछ किया नहीं इसलिए इतना अच्छा नहीं बना है। आप चाहें तो इसको बड़े अच्छी तरीके से बना सकते हैं और बहुत ही बढ़िया तरीके से इसको डिज़ाइन कर सकते हैं। तो गाइस उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।